हाय, वेलकम टू कैच ड्रीम्स विद पूनम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप देसी घी से कलरफुल बत्ती बना सकते हैं। आप इसको आराम से बल्ब में भी स्टोर करके रख सकते हैं एंड पूजा में के टाइम पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। इवन दियाज में भी आप इसको लाइट कर सकते हो। बत्ती बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक चम्मच कॉर्नफ्लावर की, और इसमें मैंने डाला है एक चम्मच पानी। आप इसकी जगह पर देसी घी भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अब मैंने इसमें डाली है कुमकुम। आपको जिस भी कलर की बत्ती बनानी है आप उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो फूड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे सा मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना खूबसूरत कलर रेडी हो गया है। अब आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। बत्ती बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉटन की। तो एक परफेक्ट बत्ती बनाने के लिए कॉटन को इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए और इसकी एक थिन लेयर तैयार कर लीजिए। अब इसके सेंटर में रखेंगे एक मोटी सी कॉटन बॉल और इसे इस तरह से रैप कर देंगे, और जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे ऊपर की तरफ इस तरह से लेके और इस तरह से एक दूसरे के अराउंड घुमाएंगे। देखिए बत्ती रेडी हो गई है। अब इसे इस तरह से टैप टैप कर लेंगे और हमारी एकदम मार्केट स्टाइल बत्ती तैयार हो गई है। इस तरह से मुझे जितनी बत्तियाँ बनानी थी उतनी मैंने रेडी कर ली है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था पानी से और कॉर्नफ्लावर से, इस तरह से फिंगर से बत्तियों का जो अगला सिरा होता है उसे कलर कर लेंगे। देखिए बत्ती को इसमें पूरा डिप नहीं करना है, आप फिंगर से इस तरह से ही कलर कीजिएगा तो ये खूबसूरत भी बनेंगी और अपनी शेप भी नहीं खोएंगी। क्योंकि कॉर्नफ्लावर क्या होता है, जो ऊपर की टिप होती है उसे हार्ड बना देता है। अगर आप पूरी बत्ती को इसके अंदर डिप करेंगे तो ये पूरी बत्ती हार्ड हो जाएगी, जो जलने में बाद में दिक्कत करेगी। तो इस तरह से फिंगर से केवल टिप को हमें इस तरह से कलर कर लेना है। अब एक बोल में मैंने लिया है ये देसी घी और ये ली है मैंने एक आइस ट्रे। इसके अंदर इस तरह से बत्तियों को रख देंगे। और फिर उसके ऊपर से डालेंगे इस तरह से घी। घी इसमें हमें आधा ही भरना है, ऊपर बत्तियों तक नहीं भरना है। और जिस टाइम आप इसमें घी डालें तो थोड़ा थोड़ा सा घी आपको बत्तियों के ऊपर भी लगा देना है। अब ये जाएगी फ्रिज के अंदर और इसको हम छोड़ देंगे लगभग एक घंटे के लिए। घंटे में देखिए ये पूरी तरह से सेट हो गई है। अब जिस तरह से आइस क्यूब अलग करते हैं उसी तरह से बत्ती को अलग कर लेंगे। और हमारी क्यूट और एकदम कलरफुल बत्ती तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इनसे न सिर्फ आपके टाइम की बचत होगी बल्कि जब आपके घर में ये ज्योति देंगी उस टाइम पर आपका घर खूबसूरत भी लगेगा। फ्रेंड्स एक बार इन्हें बनाने के बाद आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपके टाइम की भी सेविंग करेंगे। बस एक बात का आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको यूज़ करें तब आप इनको फ्रिज से कम 2 मिनट पहले निकाल के रख लें। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से बत्ती बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल बत्तियों से ज़्यादा देर तक जलती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार इन बत्तियों को बनाइए और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बिना किसी डेकोरेशन के भी अगर आप इन्हें पूजा में यूज़ करेंगे तो न सिर्फ आपका पूजा घर बल्कि आपका घर एकदम खूबसूरत हो जाएगा।
ये था एक खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा आइडिया। इसी तरह के खूबसूरत आइडियो के साथ फिर मिलूंगी आपसे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अगली किसी भी खूबसूरत वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिर मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।